इसीलिए रोटी मैंने नहीं बनवाया और नहीं बनवाता हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अभी रोटी वोटी नहीं बनेगा, कभी कभी चावल बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा, ऐसे आज सब। हमको खाना खिलाए हो? हाँ नहीं खिलाए हो, खिलाए ना बेटा, ना खिलाए ना बेटा, खिलाए नहीं है, वहाँ बैठ के हम लोग खाए हो वहाँ पे ना। खिलाए हो। बच्चे को खाना यार बिस्कुट तो खाई हो, खाना खाई है। तो दोस्तों लेके आएंगे कुछ ऐसे हल्का फुल्का खाना, खाना तो नहीं खा पा रही हैं, लेकिन लेके आएंगे कुछ बाहर से सामान, तो खिलाते पिलाते रहेंगे। बाकी आप सब दुआ कीजिएगा और दुआ दीजिएगा कि हमारी लल्ला हमेशा सही रहे, और अगर बाबू है तो ठीक ठाक मेरे बाबू का जन्म हो और मेरे पास आए बिल्कुल। तो आप सब तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, और एक नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो कुछ बोलो बेटा, कुछ बोल दो, दर्द बोले हो तो दोस्तों यहाँ पे दर्द होता है, ये देखिए। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, और कुल मिला तो यही कुल आता हो तो कुल मिला तो सोए लो, सोतो सुतो बाबू, तो सही से सुतो, सही से सुतो भाई। अच्छा सुतो, दोस्तों मेरी बाबू यानी रितु जी के पेट में बाबू है, और कब आने वाला है आप लोग को बताएंगे, बट अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। तो अभी लगभग लगभग 2-4 दिन में जाएंगे हॉस्पिटल, चेकअप वेकअप होगा, तो आप सबको बताएंगे कि है कि नहीं है, कब आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो अपलोड हम करते हैं, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने लोग में ज़रूर भेजिएगा। और क्या खाए हो आप आज? हम आज खाए हैं, आज बना था चावल और पत्ता गोभी का सब्जी बना था, बढ़िया था, लेकिन रोटी नहीं बना था। रोटी इसलिए नहीं बना क्योंकि रितु जी का पेट हमेशा दर्द करने लगता है, दर्द होता है, तो इसीलिए रोटी मैंने नहीं बनवाया और नहीं बनवाता हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अभी रोटी वोटी नहीं बनेगा, कभी कभी चावल बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा, ऐसे आज सब। हमको खाना खिलाए हो? हाँ नहीं खिलाए हो, खिलाए ना बेटा, ना खिलाए ना बेटा, खिलाए नहीं है, वहाँ बैठ के हम लोग खाए हो वहाँ पे ना। खिलाए हो। बच्चे को खाना यार बिस्कुट तो खाई हो, खाना खाई है। तो दोस्तों लेके आएंगे कुछ ऐसे हल्का फुल्का खाना, खाना तो नहीं खा पा रही हैं, लेकिन लेके आएंगे कुछ बाहर से सामान, तो खिलाते पिलाते रहेंगे। बाकी आप सब दुआ कीजिएगा और दुआ दीजिएगा कि हमारी लल्ला हमेशा सही रहे, और अगर बाबू है तो ठीक ठाक मेरे बाबू का जन्म हो और मेरे पास आए ठीक है बिल्कुल। तो आप सब दुआ कीजिएगा, और अब जा रहे हैं हम लोग सोने, इनको सुला देते हैं, और कल फिर इसी टाइम हम वीडियो हैं। क्यों अभी कुछ बोलो, बोलो उठ के बोलोगी, ना उठ बना है ऐसे बच्चों बोल को दो, रात बातें को ऐसे बोल सुन दो, तेज हेलो, ऐसे बोल को दो, ऐसे बोल दो, नमस्ते, तब बोलो। नमस्ते प्रणाम सभी को, और आप सब सपोर्ट करिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरे लाला को कमाने नहीं जाते हैं क्योंकि जाएंगे मेरा
खराब रहता है तो इसीलिए मुझे छोड़ कर नहीं जाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा थोड़ा, ताकि मेरे लाला मेरी तरफ रहे और मेरा ख्याल रखे बस। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।